हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आपने बाइक पर एक या दो या तीन लोगों को सफर करते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर मुमरा के एमएम वली रोड की है। इस रोड पर अक्सर बाइक सवार चलते रहते हैं, लेकिन स्टंट भी यहाँ होता है। लेकिन आज जो स्टंट हम आपको दिखाएंगे, एक बेहद ही खतरनाक स्टंट करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से इस स्कूटी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे छह लोग इस स्कूटी पर सवार हैं। अब जरा सोचिए, अगर हादसा होता है तो ऐसे में इनकी जान भी जा सकती है। हम एक बार और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, छह छह लोग एक स्कूटी पर सवार होकर मुमरा के एमएम वली रोड की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये स्कूटी चलाई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चे स्कूटी चला रहे हैं। उन माँ बाप को भी अपने बच्चों पर नज़र रखने की बेहद ही ज़रूरत है, जो बिना बताए अपने घर से चाबी लेकर और गाड़ी लेकर ये रोड पर निकल आते हैं और इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, कई साथियों के साथ मिलकर इस तरह से ये सड़क पर गाड़ी चलाते हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अगर किसी कार की चपेट में आ सकते हैं। और एक अहम बात और आपको बता दें कि एमएम वली रोड पर यहाँ पर डंपर गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ भी इस रोड से चलती हैं। अगर किसी डंपर की चपेट में आए तो ज़रा सोचिए कि क्या होगा। मुमरा शहर में इसी तरह से मेन रोड पर भी एक एक स्कूटी पर कभी चार चार लोग चलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक विभाग को नज़र बनाए रहना बेहद ही ज़रूरी है। बहरहाल सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रही है, आप भी देखिए।